हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है, युद्ध प्रिय समाज और औद्योगिक समाज के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आंसर में हम लिखेंगे कि युद्ध प्रिय समाज और औद्योगिक समाज में अंतर, और इसमें हम मेन हेडिंग डालेंगे युद्ध प्रिय समाज, और इसके अंदर हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी अर्थतंत्र। तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें सामाजिक संरचना ज़्यादातर सेना युद्ध और राजनीति के माध्यम से आधारित होती है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी परंपरागत संरचना, तो इसमें हम लिखेंगे, यह अक्सर जातिवाद, शासन और सेना के परंपरागत ढांचों पर निर्भर करता है। फिर हो जाएगा आत्मरक्षा हेडिंग, इसमें हम लिखेंगे, युद्ध प्रिय समाज में सुरक्षा और सामाजिक स्थिति की दृष्टि से आत्मरक्षा प्रमुख होती है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आत्मनिर्भरता, तो इसमें हम लिखेंगे, यह समाज आत्मनिर्भरता होता है सॉरी आत्मनिर्भर होता है और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी, मेन हेडिंग हो जाएगी औद्योगिक समाज, तो इसमें हम लिखेंगे अर्थतंत्र, इसमें सामाजिक संरचना और सामाजिक समृद्धि आर्थिक क्षेत्र में विकसित होती है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी परंपरागत संरचना, तो इसमें हम लिखेंगे कि औद्योगिक समाज विज्ञान, औद्योगिकी और अनुसंधान के परंपरागत मूल्यों पर आधारित होता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी विकास और तकनीकी प्रगति, तो इसमें हम लिखेंगे कि यह समाज विकास, तकनीकी प्रगति और आर्थिक उन्नति पर जोर देता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी, यहाँ पे जो मेन हेडिंग हम यहाँ पे डालेंगे, इसके बाद हमारी जो है हेडिंग होगी अंत निर्भरता, तो इसमें हम लिखेंगे कि औद्योगिक समाज अन्य समाजों और राजनीतिक एवं सामाजिक संरचनाओं के साथ अंतर निर्भर हो सकता है। फिर इसी में हम आगे लिखेंगे कि इन अंतरों के बावजूद यह अभी विभाजन सरकार, समाज और आर्थिक प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं को सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।